हे एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आने वाली है बकरा ईद, तो उसी की छोटी मोटी तैयारियों के लिए हम लोग निकल चुके थे बाहर थोड़ा कुछ ख़रीदारी वगैरह करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? तो अभी चल रहा है ट्राई कि क्या अभी लेना है। शाम कर रहे हैं ट्रायल और मैं वेट कर रही हूँ वेटिंग एरिया नहीं, मतलब मैं बाहर वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी जल्दी ट्रायल करके आए और फिर हम अपनी शॉपिंग करें। चाहे जितना भरा हुआ, चाहे जितने कपड़े हों, लेकिन जब तक कि अगर हस्बैंड के साथ आओ शॉपिंग ना करो तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कुछ तो लेना ही है। हालांकि मैं घर से प्लान बना के आई थी कि मैं कुछ भी नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ देख देख के ना इतना अच्छा लग रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ले लूँ। बकरीद के पर्पज़ से नहीं ऐसे ही, बट काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। सो चलिए चलते, क्योंकि ईद पे इतना नहीं समझ में आया था, बट इस बार है कुछ अच्छा अच्छा, तो चलिए देखते हैं। आज का मेरा फुल आउटफिट डिज़ाइन बाय मी, इसको मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाया है और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना इस पर आप डिटेलिंग देखो इतनी अच्छी लग रही है इसकी। इसको आप ना इस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो जैसे कि आप शॉपिंग करने आए हो, जैसे कि मैं, और या फिर आप किसी डे पार्टी में या आप किसी मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं तो आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपना ये आउटफिट, क्योंकि बहुत ही ईजी बीजी है गर्मी के हिसाब से बहुत ही अच्छा कूल कलर है। सो आई होप यू लाइक इट। लेकिन वो थोड़ा हटके आएगा। सो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है डन, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि जब पति की जेब खर्च करवाओ तो कितना सुकून मिलता है, कितना मजा आता है ना उसका, उसकी एक्साइटमेंट ही अलग है। तो वही मुझे हंसी आ रही, उनको भी हंसी आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं इस प्यारे से अच्छे से मूवमेंट को। ये ओरिजिनल वो है, बहुत तेज धूप है और बच्चों के लिए ले लिया है कुछ, क्योंकि जब बाहर रहो ना तो फोन जरूर आता है कि मम्मा कुछ लेते आइए। बहुत तेज धूप है, बहुत ही तेज, बाप रे बहुत। और मेरी ब्लॉगिंग चालू रहेगी क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है। इतने भरोसेमंद हैं, अगर कहीं कि अगर कहीं फंस गया
अस्सलाम। सुबह सुबह का टाइम है और सब लोग उठ चुके हैं और आज है बकरा ईद और आप सभी को ईद मुबारक। और उस दिन ना मैंने शॉपिंग के बाद कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि फिर पैकिंग वगैरह चल रही थी, तो इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बट अब हो चुकी है सुबह और सब लोग रेडी हो रहे हैं नमाज जाने के लिए क्योंकि ईदगाह जाना है, ईद की नमाज पढ़नी है। हम भी उठ चुके हैं और सुबह सुबह ना अजान और सी सब आवाज़ों से इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी वाइब आ रही कि आज फेस्टिवल है और सबके घर सब लोग उठ चुके हैं। अगर आपको पीछे कुछ दिख रहा हो या इधर उधर, सबके घरों में सब लोग ऊपर है, कोई नीचे कोई बाहर, इतना अच्छा वाइब दे रहा है ना कि स्पीचलेस। क्योंकि ना घर के सभी मर्दों को जाना है ईदगाह, तो इसीलिए हम लेडीज़ का उठना तो कंपल्सरी है, बट बच्चे वगैरह भी सब लोग सो रहे हैं, फिर क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा देखते हैं आगे। और मतलब मेरा हम लोग जब आए थे ना तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चलो व्लॉग बनाती हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो सदन आप लोग को सरप्राइज़ दूँगी कि मैं एक जगह से दूसरी जगह पट से एकदम से आ गई और मैंने कुछ आपको दिखाया भी नहीं, क्योंकि वो पैकिंग वगैरह दिखाना फिर उसमें हड़बड़ भी होता है ना, क्योंकि ये रखना वो रखना है। सदन प्लान बना कि नहीं इस बार हम लोग जो है ईद मतलब बकरा ईद जो है गाँव में करेंगे, तो हमने सोचा कि वाह तब तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब फैमिली यूनियन होता है ना तो बहुत मज़ा आता है सच में। और अभी बताओ अभी पूरी तरीके से मतलब सुबह भी नहीं हुई, आप देख पा रहे होंगे अभी लालरी है पीछे की तरफ, मतलब अभी सूरज का कोई अता पता नहीं है कितनी देर में निकलेगा। अभी 4:30 बज रहे हैं और इतनी चहल पहल है ना कि इसी से फेस्टिवल की वाइब आ रही है कि गाँव में ना फेस्टिवल को इतने अच्छे से मनाते हैं कि जिसकी जिसकी जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि मतलब त्यौहार अगर है तो त्यौहार वाली फीलिंग भी आनी चाहिए।